चले ओए भाई मैं आपके बाबा को बताती हूँ मैं जा रही हूं ओके भाई बाल नहीं लेते अच्छे बच्चे लेना नहीं होता जानू अच्छा चलो वहां पर पैंपर चेंज करेंगे पैंपर चेंज करेंगे पहले पैंपर चेंज करेंगे शराफत से आ जाए वरना मम्मा गुस्सा भी करती है मम्मा गुस्सा करे ले नहीं करती सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ बिस्मिल्लाह रहमान वेलकम बैक टू माय चैनल कैसी है मेरी YouTube की प्यारी-प्यारी फैमिली अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजें और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बहुत ज़्यादा मदर्स जो है ना मेरे साथ वो बेबी मदर्स ही हैं और उनकी रिक्वेस्ट होती है कि मैं अपने डायपर्स के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाऊँ अब समझ नहीं आती मैं कौन कौन से हैक आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मुझे पता है तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि समाइम ऐसा होता है ना कि आपने बच्चों का डायपर चेंज करना होता है बच्चे काबू ही नहीं आते छोटे बच्चों को समझा भी नहीं सकते आप तो आपने उनकी डायपर कैसे चेंज करनी है कौन से हैक यूज़ करने हैं मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे मैं मोहम्मद का डायपर चेंज कर रही थी तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखी सबसे पहले तो वाइब्स बहुत ज़रूरी हैं सर्दियों में क्योंकि सर्दियों में अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है क्योंकि हर वक्त गर्म पानी अवेलेबल भी नहीं होता समटाइम गैस की लोड शेडिंग या कोई भी इशू हो सकता है तो आप नो, आप लोग ना वाइब्स यूज़ कर लिया करें इससे बच्चों को ठंड कम से कम लगती है वरना ठंडा पानी जो है ना उससे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है जैसे मोहम्मद को भी ठंडे पानी से सर्दी लग गई थी उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे लोशन रखा और जो सबसे बड़ा कि जब भी हम बच्चों का डायपर चेंज करते हैं ना तो थोड़ा सा स्मेल आ रही होती है तो आप एयर फ्रेशनर यूज़ कर लेना तो उससे क्या होता है कि जो आप वेदर बहुत मज़े का हो जाता है जो आपके कमरे का वेदर होता वेदर कहेंगे क्या कहेंगे आई थिंक वेदर मुझे अब सही पता नहीं है वैसे वो जो मतलब कमरे की वजह होगा ना कमरे की जो खुशबू होगी है जहाँ भी आप ड्राइंग रूम में कमरे में कहीं भी आप डाइपर चेंज करते हैं तो वहाँ की जो खुशबू है ना इन्वायरमेंट वो बहुत मज़े की हो जाती है स्मेल नहीं आती सबसे पहले कि बच्चों के हाथ में ना कोई चीज़ दे दें कुछ भी ऐसा दे दें जो बच्चा थोड़ी देर खेलता रहे लेकिन बच्चे ना बहुत जल्दी उबता जाते हैं बच्चों को ना कुछ ऐसा मतलब कुछ भी आप दे लेना लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमारे हाथ जो है ना वो उन्हें कोई काबू ना करे आपने करना क्या है के बच्चों को संभालना मुश्किल है आपने सबसे पहले ये करना है कि हल्के पाँव के साथ ना आपने बच्चों के जो बाज़ू हैं ना उनको दबा देना है यहाँ पे मैं साथ अपने स्टैंड को खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो भाईजान खड़े हो जाएं और मैं डायपर चेंज कर लूँ साथ फिर यही होता है ना कि सिर्फ़ एक माँ ने डायपर चेंज तो नहीं करना होता घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं और बंदा यही चाह रहा होता है कि जल्दी से आप डायपर चेंज कर लो और फिर बाकी सारे घर के काम भी आप ख़त्म कर लोगे तो मॉर्निंग में तो वैसे ही सारे काम करने होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना फिर मोहम्मद की ड्यूटी शुरू हो जाती है और यहाँ पे मैंने एक साइड से जो है ना अब मैंने यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से बाजू दबाए हुए ये नहीं कि आपने ज़ोर से बाजू दबाना और बच्चा बेचारा कि अम्मा तो की करता मैनू इस तरह वाला बाजू बिल्कुल नहीं दबाना और इस तरह भी नहीं दबाना कि उसको बेचारे को दर्द ही शुरू हो जाए यहाँ पर भी मैंने बड़ी मुश्किल से है ना मोहम्मद को काबू किया हुआ था और यहाँ पर फिर मैंने उसका डाइपट चेंज कर दिया था नीट करके ऊपर मोस्चराइजिंग लगा के लोशन लगाया लगा के और यहाँ पे मैंने इसका डायपर चेंज कर दिया था और डायपर चेंज करने के बाद जो है ना ये ऊपर वाली जो जगह होती है ना इसको हमने अंदर फोल्ड कर देना है जब आप अंदर फोल्ड कर देंगे ना तो इससे ये होता है कि जो शी वगैरह है ना बच्चों की तो वो ऊपर नहीं आती और कभी भी कोशिश करें कि आपने ना कभी भी ये नहीं करना कि पहले शर्ट नीचे करें और उसके बाद पैंट ऊपर करें आपने पहले हमेशा पैंट ऊपर करनी है कि अगर कपड़े गीले हो पैम्पर कभी आ, हो भी सकता है कि पैम्पर कभी लीक हो जाए कुछ इस तरह का इशू इशू होता है ना तो आपने पहले पैंट्स जो है ना उनको ऊपर करना है कि वो गिली होंगी शर्ट्स फिर भी बच जाती हैं क्योंकि सर्दियों में आपने बच्चों के जो इतने सारे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं ना यार मैं कहती हूँ फिर तो बंदे को दिमाग ही हिल जाता है मशीन दो दिन बाद ही इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं जो आपने मशीन चलानी होती है ना तो इसलिए कोशिश करें कि एक दिन तो गुजर ही जाए और जब फिर आपको नीचे से हाई नेक्स उतारनी पड़ती हैं सारा कुछ तब भी बच्चों को ठंड लगने का डर होता है तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है बहुत सख्त मुझे भी नींद आ रही है जब मैं वॉइस कर रही हूँ <laughs> बार बार जो है ना तो उसके सर्दियां सर्दियाँ ना सर्दियों में वैसे ही दिल करता है कि आप गर्म जगह पर बैठे रहो काम शाम करके आप फ्री हो के तो जब गर्म जगह पे बैठते हो ना फिर आपका दिल करता है कि आप सो जाएं आराम से लेकिन अभी मेरी वीडियो का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा मैं अभी वॉइस ओवर कर लूँ वीडियो शेयर कर लूँ और यहाँ पर मैंने जो है ना अच्छा सा जो है नीचे टांगों के क्योंकि मैंने इसकी पूरी निकर नहीं उतारती हूँ गर्मियों में तो इजी होता है लेकिन सर्दियों में मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं ठंड ना लग जाए और अभी मैंने हीटर अभी दूर था वरना मैं थोड़ा हीटर के करीब करके ना इसका डायपर वगैरह चेंज करती हूँ तो उसके बाद यहाँ पे फिर मेरे स्टैंड को लगता है कुछ हो गया था और वो ऐसा कुछ हुआ है ना कि मुझे भी नहीं समझ आई कि यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों के साथ आपने घर के सारे काम मैनेज करने होते हैं और दिमाग में और भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है इन्हीं सोचों के साथ आप खास तौर पे मेरी तरह जो है ना ये उल्टे काम भी कर रहे होते हैं कि आपने वीडियो भी अपलोड करनी है आपने यूट्यूब के ऊपर भी काम करना है ये भी हमारी एक किस्म की जॉब ही है जो आपने अपनी वीडियोज़ जो है ना डालनी है आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और ये हैक इस्तेमाल करते वक्त ज़ोर से बच्चों को मत दबाइए कि बच्चे मेरा नाम लेके और फिर रो ही पड़ें कि आंटी ने हमें क्या चीज़ में हमारी ममा को बता दी है तो ये हैक आप लोगों को अच्छा लगा होगा आई होप और अगर कौन कौन सी माएँ ऐसा हैक करती हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा बच्चों को सिर्फ पेम्पर चेंज करना ही नहीं उनकी स्किन का ख्याल रखते हुए मुँह धुलाते हुए लोशन लगाते हुए भी जो है ना बच्चों के नखरे देखने पड़ते हैं कि वो बहुत ही लाड और प्यार के साथ जो है ना बच्चों के सारे काम करने पड़ते हैं मैं भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से जो है ना मोहम्मद को लोशन लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ जिंदगी रही तो अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज